एम सॉल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में समाकलन भाग सात की चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बताएंगे। प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन शब्द से सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न बनता होगा, प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक चीज़ की जगह पर दूसरी चीज़ को स्थापित करके सवाल हल करना, यही प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी इसके अंदर अगर इस सवाल की बात करें तो 6x+7 लिखा है, इसकी जगह पर हम अगर कुछ और चीज़ स्थापित कर दें यानी रख दें और तब इसको सॉल्व करें तो ये कहलाएगा प्रतिस्थापन। यानी अभी मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, आप समझ जाओगे कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या है और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी घात क्लियर कर लेंगे कि करड़ी लगी है तो इसका मतलब कितना घात होता है। इंटीग्रेशन का चिन्ह ब्रैकेट में 6x+7, करड़ी का मतलब होता है 1/2 घात इंटू डी एक्स। अब हम 6x+7 को मान लेंगे कुछ दूसरी चीज, मान लेंगे 6x+7 बराबर मान लेंगे टी, ज़्यादातर हम लोग टी मान कर ही लगाते हैं। तो अब समाकलन का सवाल है लेकिन जिसे हम टी माने हैं उसका करेंगे अवकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन हल करने के लिए हम समाकलन के साथ साथ अवकलन का भी काम करते हैं। वहाँ करते हैं जिसको मानते हैं टी के बराबर या थीटा के बराबर, कभी कभी टी मानते हैं कभी कभी थीटा मानते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका करेंगे अवकलन। तो अवकलन जब करेंगे दोनों पक्षों का डी डी एक्स लगाएंगे हम, तो इस तरीके से होगा डी डी एक्स ऑफ 6x+7 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी। इस चीज़ को गौर से देखिए, मैं अवकलन में बहुत बार बताया हूँ तो यहाँ भी बता रहा हूँ, इसका यहाँ पर कुछ अलग ही बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ देखिए 6x का समाकलन होगा मात्र, सॉरी समाकलन बोल दे रहे हैं, अवकलन। यहाँ पर 6x का अवकलन होगा 6 और 7 का अवकलन हो जाएगा 0, तो इसको नहीं लिखेंगे बराबर। इधर देखेंगे आप तो dt/dx ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ अगर हम तिरछी तिरछा गुणा कर दें बटे 1 मान करके तो आ जाएगा 6dx बराबर 6dx बराबर आ जाएगा क्या dt। अगर हम केवल dx का मान निकालें तो dx बराबर आ जाएगा dt/6। इस चीज़ को ध्यान से देखें, एक बार और देख लें, 6x+7 = t माने हैं और दोनों पक्षों का अवकलन किए, dx ऑफ 6x+7 = dx ऑफ t। तो अवकलन करने के बाद इसका अवकलन हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 0, तो उसको लिखना नहीं है। इधर dt/dx, अब फिर ये कूड़ा करेंगे तो 6dx/dt, यहाँ से dx का मान निकालेंगे dt/6 होगा। हमें यहाँ पर करना क्या है, दो चीज़ों का मान निकालना है। पहला चीज़ जिसे हम प्रतिस्थापित करेंगे उसके बराबर मानेंगे t, दूसरा हमारा लक्ष्य होगा कि हम dx का मान निकाल लें, ये जो बाद में dx दिया है इसका मान निकाल लें। तो dx का मान निकल कर आया है dt/6। अब चलिए इसकी मदद से इसको हल करते हैं। इक्वल टू इंटीग्रेशन का चिन्ह, इसकी जगह पर क्या रखना है, टी रखना है, घात 1/2 ही है, और dx की जगह पर क्या रखना है, dx की जगह पर dt/6 बटे का 6। हम चाहे तो शुरुआत में लिख सकते हैं इस तरीके से, 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ टी पे घात 1/2 और dt। अब ये देखिए, ये आपका सारा का सारा समाकलन का सवाल टी के रूप में कन्वर्ट हो गया, टी के रूप में कन्वर्ट हो गया। तब यहाँ पर हम टी के सापेक्ष समाकलन कर देंगे और टी पे घात 1/2 का सूत्र वही लगाएंगे जो एक्स पे घात एन का सूत्र लगता है, एक्स की जगह पर यहाँ पर टी आ गया है, तो हम टी से घबराएंगे नहीं, इसे एक्स समझ कर ही सॉल्व करेंगे। तो 1/6 और टी पे घात 1/2 मतलब हो जाएगा टी पे घात 1/2 + 1
बटा एक बटा दो प्लस एक, क्योंकि एक्स विघात एन का फार्मूला होता है एक्स विघात एन प्लस वन बाई एक्स विघात बाई एन प्लस वन, और प्लस हो जाएगा सी। तो इसे हम आगे लिखते हैं एक बटे छः, और ये हो जाएगा दो एक ने दो एक तीन बटे दो, उलट के हो जाएगा दो बटा तीन इंटू टी पर घात तीन बटा दो, दो एक ने दो एक तीन बटा दो प्लस सी। थोड़ा आगे हम लिखते हैं दो से छः काट देंगे तो जाएगा दो तीन छः तीन आ जाएगा, तीन तरीका नौ एक बटा नौ, और टी का मान, टी का मान क्या है, टी का मान है सिक्स एक्स प्लस सेवन, सिक्स एक्स प्लस सेवन, और इसके टी के ऊपर घात कितना है तीन बटा दो प्लस सी। थोड़ा सा कंजेस्टेड जगह है, ये हो गया इसका आंसर, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा हम कंजेस्टेड जगह पे लिखे हैं। अगला क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से विस्तार से लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम उसी तरह से तीन प्लस चार एक्स बराबर मान लेंगे टी, तीन प्लस चार एक्स बराबर मान लेंगे टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ थ्री प्लस फोर एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा शून्य, इसका अवकलन करेंगे तो आएगा चार बराबर डी टी बाई डी एक्स, तिरिया गुणा करेंगे तो फोर डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी, डी एक्स का मान निकालेंगे तो आएगा डी टी बाई फोर। अब क्या करना है, इसकी जगह पर टी रख देना है यहाँ, और डी एक्स की जगह पर डी टी बाई फोर रख देना है। ध्यान रहे ये रफ वर्क है, रफ वर्क को हम साइड में ही दिखाते हैं, है तो ये रफ वर्क मगर क्वेश्चन हल करते समय इसको बगल में ही हमको दिखाना है। थ्री प्लस फोर एक्स की जगह पर क्या रखना है, यहाँ पे टी रखना है। चलिए रख देते हैं हम लोग टी, टी के ऊपर पाँच घात, और डी एक्स की जगह पर क्या रखना है आप यहाँ से देख सकते हैं, डी एक्स की जगह पर रखना है डी टी बाई फोर, डी टी बाई फोर। अब ये फोर नीचे है, चाहे तो हम एक बटा फोर के रूप, एक बटा चार के रूप में इधर लिख सकते हैं, एक बटा चार इधर, और इंटीग्रेशन का चिन्ह टी पे घात पाँच डी टी। अब यह क्वेश्चन आप देखेंगे तो टी के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे एक्स पे घात एन का फार्मूला होता है उसी तरह से टी पे घात पाँच का फार्मूला लगा देंगे, एक बटा चार हो जाएगा टी पे घात पाँच प्लस एक बटा पाँच प्लस एक प्लस सी, यानी एक बटा चार इंटू टी पे घात छ बटे छः प्लस सी हो गया। टी का मान हम वापस करेंगे चार छक चौबीस हो जाएगा एक बटा चौबीस, और टी की जगह पर क्या रखा गया था जरा देख लिया जाए, टी की जगह पर रखा गया है तीन धन चार एक्स, तीन प्लस चार एक्स के इसके ऊपर घात कितना छः, प्लस लगा देंगे सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन इसी तरीके से किया जाता है। ये तो अभी बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं जो प्रतिस्थापन द्वारा हल किए जा रहे हैं, आगे हम आपको अगली वीडियो में या उसके अगली वीडियो में बड़े बड़े प्रश्न भी बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ, एक्स डी एक्स इसका समाकलन कैसे होगा। यहाँ भी घबराने की कोई बात नहीं है, नीचे वाला जितना दिया है हर में दिया जितना उतना बराबर मान लो टी, ए माइनस बी एक्स इक्वल टू क्या मान लो टी, दोनों पक्षों का अवकलन करो तो इसका हो जाएगा जीरो, इसका होगा माइनस बी बराबर डी टी बाई डी एक्स, तिरछे तिरछा गुणा करोगे तो माइनस बी डी एक्स बराबर डी टी आएगा। तो डी एक्स का मान हमें निकालना होता है तो हम डी टी बाई माइनस बी, अब जहाँ पर ये है वहाँ पर टी लिखना है, और जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पर डी टी बाई माइनस बी लिखना है। आइए लिखते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस, ए माइनस बी एक्स की जगह पर क्या लिखना था टी, और डी एक्स अब क्या लिखना था माइनस डी टी बाई बी। तो हम इस माइनस को बटे बी को एकदम शुरू शुरू में लिख दें, माइनस वन अपान बी इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान टी डी टी, ये आपको देखने से पता चला होगा वन अपान एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या होता है लॉग एक्स,
तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा, यानी माइनस वन अपॉन बी लॉग टी प्लस सी इक्वल टू माइनस वन अपॉन बी लॉग। अब टी की जगह पर क्या रखना, वापस क्या करना है, टी की जगह पर फिर से यही वापस लिख देना है ए माइनस बी एक्स प्लस सी, ये हुआ इसका आंसर। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार में दिया साइन थ्री एक्स डी एक्स का समाकलन कीजिए, तो यहाँ पर भी हम लोग थ्री एक्स को मान लेंगे केवल टी, माना थ्री एक्स बराबर क्या टी, इसका अगर हम अवकलन करें तो जाएगा थ्री इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, थ्री एक गुणा करेंगे थ्री डी एक्स बराबर डी टी या डी एक्स बराबर डी टी बाई थ्री। अब जहाँ पे थ्री एक्स है वहाँ पे टी, और जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पे डी टी बाई थ्री लिखेंगे, साइन टी और डी एक्स की जगह पर क्या लिखना था डी टी बाई थ्री। अब बाई थ्री को हम एकदम शुरुआत मिला दें, वन अपॉन थ्री साइन टी डी टी। अब साइन एक्स डी एक्स का सूत्र होता है माइनस कास एक्स, उसी तरीके से साइन टी डी टी का होगा माइनस कास टी, यानी वन अपॉन थ्री माइनस कास टी, माइनस यहाँ इसका माइनस मैंने शुरू में लिखा है प्लस सी इक्वल टू होगा माइनस वन अपॉन थ्री कास टी का मान, टी का मान हमको क्या रखना है यहाँ पर देख सकते हैं, टी का मान रखना है थ्री एक्स, टी का मान रखना है थ्री एक्स प्लस सी। ये हो गया त्रिकोणमिति के रूप में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच लेते हैं। दिया है साइन टू एक्स प्लस पाई बाई टू डी एक्स, इसका समाकलन करना वो भी प्रतिस्थापन द्वारा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। यहाँ पर भी जो साइन के बाद दिया हुआ इसको मान लेंगे हम टी, यानी टू एक्स प्लस पाई बाई टू इक्वल टू टी मान लेंगे। अब थोड़ा सा हम यहाँ अवकलन करेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब इसका हो जाएगा टू, यानी हो जाएगा टू डी एक्स बराबर इसका डी टी। हर बार हम डी एक्स इसके नीचे लिखते थे, बाद में तिरछी तिरछा गुणा करके फिर यहीं आते थे, तो इस बार हम डायरेक्ट डी एक्स यहाँ लगा दिए और डी टी इधर लगा दिए। आप लोग चाहें तो तिरछी गुणा करके भी ला सकते हैं इस क्वेश्चन की तरह से, और चाहें तो देखिए डी एक्स यहाँ लिखे बाद में तिरछी गुणा करेंगे तो थ्री के बगल में आएगा डी एक्स, उसी तरीके से यहाँ पर बाद में हम टू में गुणा करते तो डी एक्स यहीं पर आता और डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई टू। अब डायरेक्ट इसी तरीके से लगाएंगे क्योंकि हम लोग समाकलन हल कर रहे हैं अवकलन नहीं, तो अवकलन को हम जितना भी हो सके उतना शॉर्टकट तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इसके जगह पर रखेंगे टी और डी एक्स की जगह पर डी टी बाई टू, और वन अपॉन टू किनारे कर देंगे साइन टी डी टी, साइन टी डी टी का फार्मूला होगा माइनस कास टी, यानी माइनस एक बटे दो कास टी प्लस सी बराबर माइनस एक बटे दो कास टी का मान क्या है, टी का मान वही है जो हमने यहाँ पर लिखा है, टी का मान टू एक्स प्लस पाई बाई टू, टी का मान है टू एक्स प्लस पाई बाई टू प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छः की तरफ। क्वेश्चन नंबर छः को लिखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः किस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर है छः सेक स्क्वायर सेवन एक्स प्लस टू डी एक्स, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर के बाद जो दिया इसी को हम लोग टी मान लेंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद यहाँ पे मान रखेंगे, मान रख करके इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे।
माना 7x+2 बराबर टी, तो जाएगा 7dx बराबर डी टी या dx बराबर डी टी बाई 7। तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर, इसको माना मैंने t, ये हो गया dt टी, और डी टी बाई क्या लिखना था 7, dt टी बाई 7 लिखना था, तो बाई 7 यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब हम लोग धीरे धीरे शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ेंगे, शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जगह 1/7 sec स्क्वायर t का समाकलन होगा tan t, sec स्क्वायर t का समाकलन होता है tan t प्लस c, तो बराबर 1/7 tan t की वैल्यू 7x+2 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। इसे हल करने के लिए थोड़ा पहले हम त्रिकोणमिति को सरल करेंगे, कास क्यूब एक्स को लिख देंगे कास एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, कास एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब कास एक्स का इसमें और इसमें गुणा कर लेंगे, तो जाएगा कास एक्स माइनस कास एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट बंद करके लिख देंगे डी एक्स। अब इसको देखते हैं आगे, अब अलग अलग समाकलन का चिन्ह लगाते हुए इसको और इसको अलग अलग लिख देंगे, कास एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका तो फार्मूला है, कास एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स माइनस, अब इसे हल करने के लिए हमें मानना पड़ेगा साइन एक्स बराबर मान लेंगे टी, तो जब अवकलन करेंगे तो जाएगा इसका अवकलन कास एक्स इंटू आएगा डी एक्स बराबर डी टी, कास एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो अब ध्यान से देखें, समाकलन का चिन्ह कास एक्स और डी एक्स, इन दोनों की जगह पर क्या लिखना है, डी टी लिखना है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, साइन की जगह पर लिखना है टी, साइन पर है स्क्वायर तो हम लगा देंगे टी स्क्वायर। अब कास एक्स और इंटू डी एक्स, इसका और इसका संयुक्त मान यहाँ पर दिया है डी टी, तो इसकी जगह पर हम डी टी लिख देंगे। ध्यान दें एक बार और, इसकी जगह पर हमने लिखा टी स्क्वायर, कास एक्स और डी एक्स दोनों को मिला करके डी टी लिखा गया है। अब ये साइन एक्स माइनस टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, टी पे घात 3/3 प्लस सी। यानी माइनस प्लस साइन एक्स माइनस 1/3, टी का मान क्या है, टी का मान है साइन एक्स, साइन एक्स पे घात 3 लगाएंगे तो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस सी, ये हुआ इसका आंसर। वास्तव में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था और बहुत ही अच्छा था। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो मिलती रहे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारी अगली वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी अगली सारी वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत होती है, अगर आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, मैसेज नहीं मिल पाता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7525 8180 38 पर मुझे मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाए। धन्यवाद।